हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं एक लव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहां पर खबर आ रही है कि वीवो की एक नई सीरीज iQOO सीरीज यहां पर इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है, और उसमें जो सबसे पहले फोन लॉन्च होगा वो होने वाला है वीवो iQOO डबल और नियो 855। जैसे कि इसके नाम से हमको पता चलता है कि इसमें हमको मिलेगा 855 का प्रोसेसर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इस फोन के बारे में पूरी डिटेल में जान लेते हैं कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होने वाली है और इसका प्राइस क्या होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर इस फोन की डिजाइन की बात की जाए, इसमें आपको आगे की तरफ एक ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाएगी और पीछे की तरफ आपको इसमें लेफ्ट साइड में ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप मिल जाएगा। अब अगर इसके डिस्प्ले के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें आपको मिलेगी 6.38 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले जिसकी पिक्सल डेंसिटी है 404 PPI, और जो इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो आपको इसमें मिलेगा 83%, और इसके साथ ही आपको इसमें प्रोटेक्शन के लिए भी मिल जाएगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। अब दोस्तों अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए, इसमें आपको मिलने वाला है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर, और इसके साथ ही आपको इसमें ग्राफिक्स के लिए भी मिल जाएगा एंड्रीनो 640। और दोस्तों इसमें आपको रैम बहुत अच्छी खासी मिल जाएगी, इसमें आपको मिलेगी 8 GB की रैम, और इंटरनल स्टोरेज भी आपको इसमें बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज, और एक और वेरिएंट में मिल जाएगा उसमें आपको मिलेगी 256 GB की इंटरनल स्टोरेज, लेकिन आप इसकी मेमोरी को एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। और इसके अलावा आपको इसमें USB टाइप सी भी देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर इसके कैमरा की बात की जाए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपको इसमें पीछे की तरफ मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप, जो इसका मेन प्राइमरी कैमरा होगा वो आपको इसमें मिलेगा 12 MP का कैमरा, और उसके साथ जो दूसरा मिलेगा वो आपको इसमें मिल जाएगा अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स के लिए 8 MP का कैमरा, और जो तीसरा कैमरा होने वाला है वो एक डेप्थ सेंसर होगा 2 MP का। अब दोस्तों अगर इसके फ्रंट सेल्फी कैमरे के बारे में मैं आपको बता दूं, वो भी आपको इसमें ठीक ठाक कैमरा मिल जाएगा, 16 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा, जो कि इसके ड्रॉप नॉच के अंदर होने वाला है। अब दोस्तों अगर इसकी बैटरी की बात की जाए, इसमें आपको मिलेगी 4500 mAh की बैटरी, और इसके साथ ही आपको इसमें फास्ट चार्जिंग की स्पॉट भी मिल जाएगी, और ये फोन आपको दोस्तों ड्यूल सिम में भी मिल जाएगा, आप दोनों इसमें नैनो सिम यूज़ कर सकते हो, और इसके अलावा आपको इसमें 3.5 mm का जैक भी मिल जाएगा, और जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको इसमें ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, और जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो भी आपको मिल जाएगा इसमें एंड्रॉयड 9 Pie। अब लास्ट में दोस्तों अगर इसकी कीमत की बात की जाए, इसकी जो कीमत होने वाली है वो आपको मिलेगा ये 20,190 रुपये में, जो कि दोस्तों रोमर के हिसाब से ये इसी महीने 20 January को लॉन्च होने हो सकता है। तो दोस्तों आप लोगों को इस कीमत में ये फ़ोन कैसा लगा, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई भी सवाल हो वो भी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों अब मिलते हैं एक और नए फ़ोन के साथ और एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा।